Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा से भरे बिना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में. हालेलुया. इसलिए हमें पवित्र आत्मा की हमेशा सख्त जरूरत है. और पवित्र आत्मा को मांगने के लिए बंदगी करना, स्तुति करना, आराधना करना, उस सच्चे खुदा की तारीफ करना, महिमा करना, ये सब जरूरी है. आमेन. पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में इतना आवश्यक है जितना आवश्यक हमें सांस लेना है. अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छी जगहों पे देखना चाहते हो, अपने बच्चों को, अपनी लाइफ को, अपने हर एक चीज को, आप हर चीज में कामयाब होना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना जरूरी है. सब बोलो आमीन. आमीन. तो मैं आपको बताता हूं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया, और किस तरीके से प्रभु मेरे को यहाँ पर लेके आया. आज मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ. हालेलुया. एक वचन है लूकस 18 बाब और 27 आयत, उसमें लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है. जेडी पंजाबी में एक बार, जेड़ियां गल्लां मनुखां दे लई करनियां असंभव हन ओ परमेश्वर दे लई संभव हन. आमीन. आमीन. जो आपके लिए और मेरे लिए असंभव है वे हमारे परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है. कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस पृथ्वी पर जो वो बदल नहीं सकता, जिसको वो ठीक नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको बदल कर वो एक अच्छा इंसान ना बना ले. हालेलुया. हालेलुया. तो उसी की गवाही मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ. मेरा नाम सुशील कॉलविन है, मैं दिल्ली से आया हूँ, और दिल्ली में हमारा घर है. मेरे पिता BSF में नौकरी करते हैं, और मेरे दो एक भाई और एक बहन है. एक स्टाफ नर्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है. मैं भी पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और मैंने स्पोर्ट्स में बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है. मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आकर आज मुझे, मैं अपने जीवन की गवाही और प्रचार करता हूँ. वो दिन ऐसा था कि प्रभु ने मेरे को चुना, और चुनकर मेरे पूरे परिवार को चुना, और मेरे पापा की भर्ती हो गई. जब वो BSF में चले गए तो उनकी पोस्टिंग हुई मानेसर में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैकेट कमांडो के अंदर उनकी भर्ती हो गई. जब वो वहाँ पे पहुँचे तो मैं भी वहीं पे था, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे कराटे स्पोर्ट्स करना. कराटे आपने सुना होगा, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट के जो गेम होती है, वो स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिया. धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह की दया और शक्ति से मैं उसमें बढ़ता गया, और प्रभु ने बहुत ही स्पीड के साथ मुझे ऊंचाइयों पर लेकर गए. मुझे भारत का 10 बार नेशनल प्लेयर बनाया, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है. 10 बार स्टेट में मैंने जीता, 10 बार नेशनल प्लेयर बना. ऐसे करते हुए प्रभु मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशियन चैंपियनशिप में चाइना खेलने के लिए गया, और ऐसी ऐसी जगहों पर प्रभु मेरे को लेकर गया, और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया. हालेलुया. इसके साथ साथ मेरे जीवन में संगत का असर हुआ. मेरे फ्रेंड्स थे, और वो भी ट्रेनिंग करते थे मेरे साथ, कराटे की प्रैक्टिस करते थे. तो उनके साथ साथ क्या हुआ, वो शराब वगैरह पीते थे, तो मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता था. लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर गया, और घर पे गया तो उसने मेरे को कहा कि देख, एक मैं तेरे को एक पैक बना के देता हूँ इतना बड़ा, अगर तू इस पैक को पी लेगा तो जहाँ तू एक घंटा ट्रेनिंग करता है वहाँ पर तू 2 घंटे 4 घंटे कर पाएगा, जहाँ पे तू एक किलोमीटर दौड़ता है वहाँ पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ पाएगा. हालेलुया. ये आज की मेरी गवाही और वचन उन सब यूथ के लिए है जिनको शैतान भरमाता है, जिनको शैतान झूठे दिखावे देता है, जिनको शैतान ऐसे दिखावे देकर, लालच देकर गहरे खड्डे में, नरक की आग में ले जाता है. हालेलुया. आज का मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो बुरी संगत में पड़ गए हैं उस शैतान के कारण, जिसने उनको भरमा कर वहां तक ले आया. मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान एक हाथ से आपको मीठा देगा, और दूसरे हाथ से वो आपकी जिंदगी से आपकी सबसे बेस्ट चीज आपसे छीन लेगा. वो आपको दिखाएगा, ये थोड़ा सा मीठा खा ले, ये थोड़ा सा क्लब में चले जा, ये थोड़ा सा व्यभिचार कर ले, ये थोड़ा सा नशा कर ले.
वो थोड़ा सा आपको मीठा देगा और उसके बाद आपके जीवन में दिन प्रतिदिन जहर घोलना शुरू कर देगा। आपकी बेस्ट चीज, आपकी बुद्धि हो, आपका ज्ञान हो, आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो, आपके परिवार की खुशियां क्यों ना हो, आपकी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, आपके पैसे, आपके फाइनेंस क्यों ना हो, सबको वो धीरे धीरे करके छीनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको मीठा दिखाया और हमने वो मीठा खा लिया। उसी तरह से मेरे जीवन में हुआ, उसने एक मीठा दिखाया मेरे को कि एक शराब का एक इतना बड़ा पैग मार और उसको पीने के बाद तू ज्यादा ट्रेनिंग कर पाएगा। ज्यादा ट्रेनिंग करने के लालच में मैंने वो पैग पिया, वो शराब का, वो नशे का पैग मैंने मारा और जैसा उसने बोला था वो मेरे दोस्त ने वैसा ही हुआ। नशे के हालात में मैं 1 किलोमीटर दौड़ता था, 4-4 किलोमीटर दौड़ा, 1 घंटा ट्रेनिंग करता था, 4-4 घंटे ट्रेनिंग करने लग गया। ये उस शैतान की चाल थी मेरे को मीठा दिखाकर मेरे जीवन में जहर घोलने की, और वही मैंने किया और मैंने उसको मौका दिया। इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहते, कभी मौका नहीं देना चाहिए, शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आज के यूथ को शैतान आएगा, लोग आएंगे और भरमाएंगे आप लोगों को, लोग आके बोलेंगे कि यहाँ चले जा, वहाँ चले जा, ये कर ले, तेरे बच्चा नहीं हुआ तू बाबों के पास चले जा, जादू टोनों से के साथ मदद ले और ये सब काम कर, तेरे घर में क्लेश है, जादू टोनो करो, बाबों के पास जाओ और सारा क्लेश हट जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, क्लेश तो हटेगा नहीं लेकिन दुगना और 3 गुना हो जाएगा। जो बर्बादी आपकी नहीं होनी थी, शैतान को मौका देने के कारण वो सारी बर्बादियाँ हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक मौका शैतान को, शैतान को हमारी 100 कमजोरियां नहीं चाहिए, गांठ बांध लो इस बात को, शैतान को हमारी 100 कमजोरी नहीं चाहिए, शैतान को हमारी 1 कमजोरी काफी है हमें और हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए, हमारी सेहत को बर्बाद करने के लिए, हमारे फाइनेंस को बर्बाद करने के लिए, हमारी हर एक अच्छी चीज को बर्बाद करने के लिए। शैतान को हमारी सिर्फ 1 कमजोरी काफी है। वो 1 कमजोरी झूठ बोलना हो सकता है, वो 1 कमजोरी अपने माता पिता का अनादर करना हो सकता है, वो 1 कमजोरी धोखा देना हो सकता है, वो 1 कमजोरी अपनी वाइफ के प्रति ईमानदार ना रहना हो सकता है, अपने पति के प्रति ईमानदार ना रहना हो सकता है, वो 1 कमजोरी चुगली करना हो सकता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशे का एक पैग हो सकता है, वो 1 कमजोरी कुछ भी हो सकती है, वो 1 कमजोरी क्लब में जाना हो सकता है, गंदी चीजें, गंदी पिक्चरें, गंदे लोगों को देखकर अपने मन में वासनाओं को जगाना, कुछ भी हो सकता है, वो 1 कमजोरी। शैतान को हमारी 100 कमजोरी नहीं चाहिए, उसको हमारी 1 कमजोरी काफी है हमें बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, वो 1 कमजोरी मैंने उसको दे दिया, उसको वो मौका दे दिया, शराब का पैक मारा और जैसे उसने बोला था वैसे। लेकिन अब मेहनत क्या हो गई? मेहनत हो गई गलत चीज के ऊपर। मेहनत, वो जो मेरा जो ट्रेनिंग थी, वो जो मेहनत थी, वो उसकी नींव अब पाप के ऊपर रखी जा रही थी, गंदी चीजों के ऊपर रखी जा रही थी। नशा करके मैं ट्रेनिंग करता था, नशा करके मैं खेलने जाता था। धीरे धीरे करके शैतान ने जैसे एक मेरे को मीठा दिखाया और जो जहर उसने घोलना था वो घोलना शुरू किया। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही मैं खेलने के लिए अब जाने लग गया, पहले मैं फर्स्ट आता था, मैं कभी सेकंड नहीं आया, हमेशा खेलने के लिए गया, हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन अब जब मैं जाता था नशा करके और मैं ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, नशा करके मैं सब काम करता था, जैसे ही मैं खेलने के लिए उस रिंग में उतरा, उस एरिना में उतरा, जब मैंने फाइट शुरू की, पहली फाइट हारना शुरू किया, फिर पहला नंबर आना खत्म हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे से तीसरे पे आ गया, तीसरे से चौथे पे आ गया, और एक वक्त ऐसा आया जब मैं जाता था और सिर्फ हार कर ही वापस आता था। ऐसा मेरे जीवन में हो गया। क्यों? शैतान को हमारी 100 कमजोरी नहीं चाहिए। सिर्फ 1 कमजोरी के कारण उसने मेरे जीवन से मेरी सबसे बेस्ट चीज मुझसे चुरा ली। हालेलुया। सिर्फ 1 कमजोरी के कारण। और वो शौकिया तौर पे किया हुआ नशा मेरी आदत बन गया। वो एक पैक जो मैंने मारा था शौकिया तौर पर, वो मेरी आदत बन गया। अब वो एक पैक से 1 बोतल हो गया, 1 बोतल से सुबह, दोपहर, शाम हो गया। और धीरे धीरे करके मैं नशों में मैं बढ़ता गया, वाधा गया, और धीरे धीरे करके बर्बादी को मैं देखता रहा, और धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ अपना गवा दिया। एक वक्त आया जब हम खेलने के लिए मैं गया और मेरे को बहुत खतरनाक एक चोट लगी, एक इंजरी मेरे जीवन में हो गई। इंजरी मतलब एक पंजाबी में बोलेंगे सट लग गई है ना, वही कहते हैं। तो मैंने उसको किक मारी तो ये वो लड़का पीछे हो गया, और किक मैंने ऐसे मारी तो मेरे पैर पूरा घूम गया। जैसे पैर घुमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नस होती है, इतनी मोटी नस है, नसों का गुच्छा होता है, वो गुच्छा पूरा टूट गया, खिंच गया, और इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर खून आने लग गया, बाहर कुछ नहीं हुआ, अंदर खून बहने लग गया, और ये पूरा हिस्सा मेरा सूज गया। पहले वो लाल हुआ,
फिर वह नीला हुआ और फिर वह काला पड़ गया। डॉक्टर के पास गया, सूजन हो गई, चल नहीं पाता था, ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता था मेरे को। और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है दिल्ली के अंदर, सबसे नंबर वन हॉस्पिटल, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, हमारे लिए वहाँ पे सब कुछ फ्री था। और मैं वहाँ पे इलाज कराने के लिए गया, उस डॉक्टर से मैं मिला। उस डॉक्टर को जब मैंने अपनी इंजरी की, अपनी चोट दिखाई, अपनी सट दिखाई मैं उन्हें, उस डॉक्टर ने आख्या, वो कहने लग गया मेरे को कि ऐसी चोट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, आप जो भी गेम खेलते हो अब उसको आप कभी नहीं खेल पाओगे। ये बात बोलकर उसने मेरे जीवन से, जैसे मेरे जमीन, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि इतना मैं स्पोर्ट्स में इतना वध गया सी, तो अब मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, और ये चोटों के कारण मैं अब खेल नहीं पा रहा, मैं चल भी नहीं सकता था। और मैं जब रात को सोता था तो मम्मी की चुन्नी या कोई मफरल बांधकर, सर्दियों के दिन तक मफरल बांधकर मैं सोता था, क्योंकि पैर में थोड़ा सा भी ऐसे होता था तो बहुत दर्द होता था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने 6 इंच का चाकू लेकर कोई मेरे इधर बार बार मार रहा है, ऐसा दर्द था मेरे को। और मैं बहुत परेशान हो गया और मैं घर में एक दिन बिस्तर पर आ गया। डॉक्टर ने कहा तेरे को 2 साल तक रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तेरा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी तू कभी जिंदगी में ये स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएगा, ये उस डॉक्टर के शब्द थे। अब मैं आपको अपनी गवाही से बताने के लिए जा रहा हूँ कि मनुष्य के बुरे शब्द मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन में हमारे लिए क्या कहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने आपको कहा होगा तू निकम्मा है, तू निकारा है, तू बीमार है, तू कर्जदार है, तू गरीब है, तू यहीं मर जाएगा, तू कभी इन कर्जों से नहीं निकलेगा, तू कभी इस बीमारी से नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको आज ये मैसेज देने के लिए आया हूँ कि प्रभु कहता है मनुष्य के बुरे शब्द मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है तेरे बनाने वाले ने, तेरे ईश्वर ने तेरे लिए क्या शब्द कहे। उसने कहा मेरे मार खाने से, कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता जड़ा मेरे नाद उत्ते विश्वास करेगा उन्हें कदी लज्जित कदी शर्मिंदा नहीं होना पाएगा। रोमियो 10:11 में लिखा जो भी मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा उसको लज्जित और शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आमीन, आमीन। और मैं आपको बताता हूँ उस डॉक्टर ने ये शब्द बोले थे और मैं पूरा हताश हो गया, टूट गया। मैं बाई बर्थ रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा दादा भी क्रिश्चियन थे, मेरे पापा भी क्रिश्चियन हैं और मैं भी, लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरी वो सब चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे एक मसीह के एक क्रिश्चियन की होनी चाहिए। बस संडे को चर्च जाना, लेट जाना, कुछ भी करना, अपनी मौज मस्ती में रहना। एक दिन चर्च का दिन था, उस दिन मैं चर्च नहीं जाता था, सिर्फ मेरी मम्मी थी जो मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती थी। वो एक ऐसी औरत है जो एक दिन में उपवास करके 9-9 रोजरियां कर करके उसने अपने परिवार को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। इतनी वो प्रार्थनाएं करती थी वो, और उसकी उसकी प्रार्थना के सामर्थ्य इतना था कि पूरा परिवार उसकी प्रार्थना के कारण बचा हुआ था। एक एक दिन में उपवास करके, व्रत रख के 9-9 रोजरियां कर दे, काम भी करने हैं, न्याणा ने भी सामना है, सब कुछ करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, और दिन में पूरी 9-9 रोजरियां, पूरी रोजरी, पूरी माला विनती वो पूरी करती थी। सुबह 4 बजे शुरू करती थी, कभी कभी 3 बजे शुरू करती थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके कारण से पूरा परिवार बचा हुआ था। लेकिन मैं चर्च वैसे नहीं जाता था जैसे जाना चाहिए था, संडे को जाना, लेट जाना, लेट जाकर वो पाप करना प्रभु की नजरों में, और संडे के बाद वो जो 6 दिन होते थे उस दिन भी आवारा गर्दी करना, अय्याशिया करना, यही सब हमारे काम थे। और नशों का आदि हो गया। नशों का आदि होने के बाद मेरे जीवन में वो सब काम होने लग गए जो नहीं होने चाहिए थे एक मसीही के जीवन में। मैंने नशा करना शुरू किया, मैंने क्लब पार्टियों में जाना शुरू किया। 3-3 दिन के अंदर 1-1 लाख रुपए मैं कमाता था, इतनी कमाई थी मेरी, और लाखों रुपए से, हजारों रुपए से मेरी जेब भरी रहती थी। उन पैसों को मैं कभी भी अपने घर पे नहीं लेके आता था, बाहर अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी अय्याशियों में उड़ा कर आता था, और यही मेरी आदत थी और यही मेरा काम हो गया था। और धीरे धीरे करके मैंने सारे पैसों को उजाड़ना शुरू किया, कर्जों में आ गया, माता पिता को कर्जों में ला दिया, और एक दिन बिस्तर पर पड़ गया। उस चोट उस सटे करके मैं बिस्तर से आ गया। जब बिस्तर पर पड़ा हुआ था एक दिन, तो मेरी मम्मी और मेरा भाई पीछे वाले कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ ये सोच रहा था कि ये दोनों अब 2-3 दिन के बाद पंजाब जाएंगे, ऐसे जैसे आप बैठे हुए हो, ऐसे किसी कन्वेंशन में भाग लेने के लिए, प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए ये लोग जाएंगे, मेरे को चोट लगी है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैं यहीं पे सोऊंगा। तो मैं वहीं पे लेटा हुआ था, और मैं लेट कर ये सोच रहा था कि ये लोग जाएंगे और मैं पीछे से सुसाइड कर लूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। और ये बात मैंने पूरी अपने दिल दिमाग में डाल ली, और मैंने सारी तैयारियां कर ली आत्महत्या की।
और फिर मेरे मम्मी और मेरा भाई उसी दिन जब ये मैं प्लानिंग में कर रहा था अपने दिमाग में, उसी दिन मेरे मम्मी और मेरा भाई दोनों बाहर आए और आकर कहते हैं मेरे को कि हमें तुझसे एक बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो गया था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था, घर में सामान तोड़ना, चीज़ें तोड़ना, खाना अच्छा नहीं बनना, सारी चीज़ों को बर्बाद करना, भाई बहन को मारना, डंडे उठाना, माँ बाप को धक्के देना, गालियाँ देना, ये सब काम उन नशे के कारण मेरे जीवन में आ गए। पूरा घर कलेश से भर गया, सिर्फ एक गलती के कारण, सिर्फ एक मौका देने के कारण उस शैतान को। शैतान को हमारी 100 गलतियां नहीं चाहिए, शैतान को हमारी एक गलती काफी है हमें और हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को गांठ बांध लो कि शैतान को एक मौका भी नहीं देना, अगर मौका दोगे तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। उसने थोड़ा सा मीठा रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, और पीछे उसने टब भर के, ड्रम भर कर आपके लिए जहर रखा हुआ है। वो आंखों के आगे पर्दा डालता है। और फिर वो मेरी मम्मी और मेरा भाई आए, अब उनको नहीं पता था कि मेरी प्लानिंग क्या है। मेरे पास में आके कहते हैं कि हम तुझे एक प्रार्थना सभा में लेके जाना चाहते हैं। मैंने कहा प्रार्थना सभा में जाके क्या होगा? मम्मी कहती प्रार्थना सभा में चल और वहां पे तू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी मेरी बात सुनो, मैंने अपने जीवन में अपना नाम, शोहरत, पैसा सब कमाया। आज मैं एक सिगरेट के पैसे के लिए, मैं, मेरे माँ बाप जानते थे मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं नशा करता हूँ, वो जानते थे। कोई मुझे पैसे नहीं देता था, 10 रुपये भी देने से वो डरते थे कि अगर 10 रुपये भी इसको दिए तो ये बाहर जाके सिगरेट पिएगा। और मैं उनको बोलता था कि मैं 10 रुपये भी मुझे कोई नहीं देता, क्योंकि सब मेरे को एक नशेड़ी समझने लगे थे। कोई इज्जत नहीं थी, घर में बड़ा था मैं सबसे, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मेरे भाई बहन कोई इज्जत नहीं करता था। माँ रोती रहती थी, पापा वहाँ पोस्टिंग थे बहुत दूर कलकत्ता में, वहाँ से फ़ोन कर करके रोते थे, कहते थे हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो शराब पीता है, ये कहाँ से ऐसा निकल गया, और ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ करते थे। मेरी मम्मी ने मेरे को कहा हम तेरे को प्रार्थना सभा में लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं प्रार्थना सभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग कुछ और थी और माता पिता की कुछ और। जब मैंने उनको ये बात बोली तो वो रोने लग गई, कहती तू चल देख तू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैंने अपने जीवन से सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ चला गया है मेरा, पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत, कौन मुझे ये सब कुछ वापस दे देगा, बिस्तर पर मैं आ गया हूं। मम्मी ने कहा सुन, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, जो तू नहीं कर सकता, जो तेरा डॉक्टर नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो हमारे विश्वास के कारण हमारे साथ चल, ऐसा उसने मेरे को कहा। और मैं उनको देखकर रो रहा था, घबरा रहा था कि ये मेरे को कहां लेके जाना चाहते हैं। और मैं रोते रोते उनसे, उनके आंसुओं को देखकर, उनके साथ मेरा प्यार ज़्यादा था माँ के साथ, तो उनके आंसुओं को देखकर मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन याद रखना मम्मी मैंने अपने जीवन में सब कुछ गंवा दिया है, मेरा कोई कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पता है मेरी चोट लगी हुई है, अच्छा अच्छा इंतज़ाम करो, अच्छी तरह से मेरे को लेके जाओ। मेरी हाथ थी और मम्मी ने सारा इंतज़ाम कर लिया। रो रो के उसने क्या नहीं किया मेरे लिए प्रार्थना, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी और वो थी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, हमेशा प्रार्थना करती रही, घुटनों पे आकर, हाथों को उठाकर वो यीशु को बोलती रही कि प्रभु यीशु मसीह कोई ठीक कर सकता तो वह सब तू है, बस सिर्फ तू ही ठीक कर सकना और कोई ठीक नहीं कर सकता, वो ऐसे बोलती रही। और एक दिन मैं उनके साथ फिर पंजाब आ गया, इस यही वो धरती है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को छुआ और मेरे पापों से मुझे आज़ाद किया, नशों से आज़ाद किया, दुखों से आज़ाद किया, बुरी परिस्थितियों से आज़ाद किया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो मेरी ज़िंदगी में काम कर सकता है तो वह आपकी ज़िंदगी में भी कर सकता है। हालेलुया। अगर वह मुझे यहां खड़ा कर सकता है तो आपको भी उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पे खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह सबके साथ एक समान जैसा रहने वाला खुदा है, सबको एक समान प्यार करता है। कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई जाति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए मायने रखता है सिर्फ इंसान, जो उसकी तरफ मुंह करेगा उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठाएगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन क्या हुआ, वो मेरे को लेके गई एक प्रार्थना सभा में और वहाँ से मैं चला गया। उनके साथ साथ मैं प्रार्थना सभा में ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे जाकर मैं बैठने लग गया। कई हज़ारों लोग वहाँ पर आकर बैठे हुए थे और वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी, तो लेडीज़ का कंपार्टमेंट अलग था और लड़कों का अलग था,
ऐसे करके था, और जो विकलांग थे उनके अलग अलग चैम्बर था। तो मेरी मम्मी 19 नवंबर 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मम्मी वहाँ बैठी थी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ बैठा था और मैं उसके साथ में बैठा था, लेकिन मेरे पास बाइबल नहीं थी। उन्होंने मेरे को उठाया और 10वीं लाइन में पीछे जाके खड़ा कर दिया। पीछे टेंट लगा हुआ था, उसका एक पोल था, उस पोल के बगल में मैं खड़ा था। और मैं खड़ा रहा क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता था, जैसे आप लोग बैठे चौंकड़ी मार के, ऐसे मैं बैठ नहीं सकता था। मेरे को सिर्फ चेयर चाहिए होती थी और मैं पीछे नहीं, मैं घबराया हुआ था इतने सारे लोगों को देखकर। मैं आपको बताता हूँ, पोल को मैंने पकड़ा, एक वॉलंटियर आया, कहता बैठ जाओ। मैंने कहा कि मैं बैठ नहीं सकता, मेरी चोट लगी। कहता अगर आप बैठ नहीं सकते तो पीछे चले जाओ। वो मेरे को पीछे भेजना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबराया हुआ था, मेरा दिल धड़क रहा था और मैं टेंशन में आ गया कि मेरे को अपनी मम्मी से, अपने भाई से पहले इन्होंने अलग कर दिया है, अब मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था। मैं कोस रहा था इन दोनों को कि ये लोग मेरे को क्यों लेके आए यहाँ पे, इनको क्या जरूरत थी, मैं इतने चोट मेरे को लगी हुई है, यहाँ पे आकर मुझे क्या मिल जाएगा। इतने साल से मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन क्रिश्चियन था, लेकिन एक मरा हुआ क्रिश्चियन था। हालेलुया, हालेलुया। आपको जी उठना होगा, प्रार्थना में, वचनों के साथ, आत्मा के साथ दोबारा जी उठना होगा। आमीन, आमीन। बोल पकड़कर वो मेरे को कहने लग गया, कहता अगर आप नहीं बैठोगे तो मैं बड़े वाले वॉलंटियर को बुला के लाऊंगा, वो आपको पीछे करेंगे नहीं तो बिठाएंगे। मैं वहां पे खड़े होकर रोने लग गया, वो चला गया। मैंने डंडा पकड़ा, वो उस टेंट का डंडा पकड़ के धीरे धीरे करके चौंकड़ी मार के मैंने सोचा चल बैठ के देखता हूँ। पहले मैंने ऐसे ही बैठना शुरू किया धीरे धीरे, और जैसे ही मैं बैठना शुरू किया तो मैं बैठ पाया और मेरे दर्द नहीं हुई। फिर मैंने पैरों को क्रॉस करके बैठना शुरू किया और मैं पूरा का पूरा बैठ गया। जैसे क्रॉस करके मैं पैर को क्रॉस करके बैठा, मैं बैठ गया और मेरे दर्द नहीं हुआ। वहाँ पे मैं फिर उठा, फिर मैंने पोल को पकड़ के उठा, मैंने चेक किया कि मेरे दर्द क्यों नहीं हो रहा, और देखा तो वहाँ पे सूजन नहीं थी। मैं फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, फिर उठा, चेक करने के लिए कि ये दर्द मेरी चली कहाँ गई, वो सूजन कहाँ चली गई, वो लालपन, वो कालापन कहाँ चला गया। और ये मैं एकदम घबराया हुआ था, और मैंने अपनी जीन्स को खोल कर देखा वहाँ पे, इतना ज़्यादा मैं इतना हैरान हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने देखा तो वहाँ पे ना तो कोई सूजन थी, ना कोई दर्द था, ना कोई चोट थी। और वहाँ पर उस वक्त मैं बैठा, मैंने अपने बगल वाले को बोला कि अंकल देखो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे आया था, और यहाँ पर मैंने किसी कोई प्रार्थना नहीं की, और मैं यहाँ पर खड़ा था, वॉलंटियर ने कहा बैठ जा, और उसकी बात को सुनकर मैं नीचे बैठा हूँ, और मेरे कोई दर्द नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरी जिंदगी का पहला चमत्कार था। सब जोर से हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी का पहला चमत्कार, मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने प्रार्थना में प्रभु को ये नहीं कहा कि आप मुझे ठीक कर दो, मैंने प्रभु से कुछ नहीं कहा कि आप मुझे चंगा कर दो। लेकिन जो भी उसके पास आएगा, प्रभु उसके हृदय को जानता है, उसके तकलीफों को जानता है, आपके दुखों को वो जानता है। अगर वो आपके दुखों को जानता है तो उसको चंगा करना भी जानता है। सब बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो चोट मेरी ठीक हो गई, लेकिन मैंने वहां पर समझा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, अगर जो मेरी चोट ठीक कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे आराधना शुरू हो गई। जैसी आराधना शुरू हुई तो मैं उनके साथ, मेरा मन नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था, मैं उनके साथ आराधना शुरू कर दिए और मैंने ताली बजाकर उनके साथ गाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उनके साथ गाना शुरू किया, आराधना शुरू की, धीरे धीरे करके मैं अपने मन में उस प्रभु से क्वेश्चन करने लग गया, हे परमेश्वर ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे जीवन से सब कुछ चला गया और मैं जीरो हो गया। मेरा स्पोर्ट्स, मेरे पैसे, मेरी इज्जत, सब कुछ मेरे जीवन से चला गया है, पिता मैंने ऐसा क्या किया। आराधना करते करते पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया एक पिक्चर के रूप में कि तूने अपने जीवन में वो सब काम किए जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किए थे। तूने चोरी की, धोखे दिए, व्यभिचार करा, तूने 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 लोगों को मारा, कूटा, नशा किया, और नशे का तू आदि हो गया, और नशे के कारण तूने ये सब काम करे और तू प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बाहर हो गया। ये सब बातें मेरे को पवित्र आत्मा दिखा रहा था और मैं उनको कह रहा था, हे प्रभु ये सब कुछ तो मैंने किया है, कहा इसीलिए तो तू प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अलग हो गया, लेकिन प्रभु अभी भी तुझसे प्यार करता है, अभी भी तुझे चाहता है, अभी भी उसने अपने हाथों को फैला रखा है ताकि तू आए और वो तुझे गले से लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रचारक आया, उसने प्रचार करना शुरू किया,
और वो वचन मेरे दिल के अंदर छेद कर रहे थे। वो मेरे को ऐसा लग रहे थे कि एक एक वचन ये मेरे लिए कह रहा है, और मैं अपने सर अपना मुंह जमीन में घुसाना चाहता था। मैं सोच रहा था, इतना शर्मिंदा था कि मैं उसको देख नहीं पा रहा था, उन वचनों को सुन नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कहीं ये प्रचारक मेरे को ही खड़ा ना कर दे लाखों लोगों के बीच में और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और धीरे धीरे करके मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना कर रहा था। लास्ट में जब प्रार्थना शुरू हुई तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, मैंने छाती पीटी, पश्चाताप करना शुरू किया और छाती पीट कर घुटनों पे आ गया, रो रो के प्रभु को बोलने लग गया, हे पिता मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, ये सारे पाप मुझसे हुए हैं, हे पिता मुझे क्षमा कर दे। मैं माफी मांग रहा था, मेरे हाथ ऊपर थे और जैसे मैं घुटनों पे था, प्रभु यीशु मसीह के हाथ को मैंने महसूस किया। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, मेरे बेटे मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, देख तेरे पाप जो लहू की तरह, खून की तरह, सिंदूर की तरह लाल थे, उन्हें मैंने हिम के समान सफेद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हाथ को पकड़ कर कहा और कहता, तुझे मैंने माफ कर दिया है, अब जा दोबारा पाप मत करना। लेकिन मैं इतने पे नहीं रुका, मैंने कहा, हे पिता मुझे क्षमा कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पिता मुझे सामर्थ्य और शक्ति दे। ऐसे बहुत से यूथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सारे पापों में डूबे हुए हैं, यही सब पाप कर रहे हैं जाने और अनजाने में। हे पिता मुझे सामर्थ्य और शक्ति दे ताकि मैं तेरे नाम की गवाही और तेरे नाम का प्रचार कर सकूं, मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे छूता हूं, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तुझे एनॉइंट करता हूं, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ होऊंगा और तू गवाही मेरा साक्ष्य बनेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 19 नवंबर 2017 से लेकर आज तक ये 6वां साल है, 6 साल से प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा हूं और अपने जीवन की गवाही सारी दुनिया में जाकर दे रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां से जब मैं निकला, मेरी माँ ने मेरे को देखा, पछताव करने वो, मेरी माँ ने मेरे चेहरे को देखा, मेरे भाई ने देखा, और वो लोग मेरे को पहचान नहीं रहे थे। वो जो नशे के हालात में मैं जिन तकलीफों में आया था, एक भी तकलीफ मेरे शरीर में नहीं थी, उसने मेरे चेहरे तक को बदल दिया। उस दिन मेरा चेहरा बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, मेरा बोलचाल बदल गया, मेरा चलना फिरना बदल गया, मेरी चाल ढाल सब कुछ उस एक प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक प्रार्थना में, और मेरी माँ मुझे देख रही थी और मैं 6 घंटे के लिए रो रहा था। 6 घंटे कौन प्रार्थना में बैठेगा? आप विश्वास करें, 9 घंटे तक, 6 घंटे के बाद 3 घंटे तक मैं घुटनों के ऊपर था, छाती पीट रहा था, रो रहा था और प्रभु यीशु मसीह को मांग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मेरी माँ, मेरे भाई ने मुझको देखा और वो हैरान हो गए। उनको ये तो पता चल गया था कि इसके जीवन में कुछ तो हुआ है, उनको लग रहा था कि मेरी चोट ठीक हो गई है, लेकिन वो ये नहीं जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर से लेकर नीचे तक, शरीर से लेकर आत्मा तक मेरे जीवन को बदल कर रख दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कुछ बदल दिया, सारा कुछ चेंज हो गया। और मम्मी को मैंने बताया, मम्मी मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस दिन वहां से निकला और फिर मेरा नया जीवन शुरू हुआ। जो स्पोर्ट्स, जो पैसे मैं कमाता था, जो बेइज्जतियां मेरी जिंदगी में थी, जो शर्मिंदगियां मेरी जिंदगी में थी, जो कर्जे मेरी जिंदगी में थी, जो मेरे पाप मेरे जीवन में थे, वो सब कुछ हट गए, उन सब से मैं दूर हो गया और एक नया जीवन मेरे को मिलने लग गया। मैंने बाइबल उठाया और 9 दिन में इतने दीवानेपन के साथ 9 दिन में बाइबल को पढ़ कर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। ना खाना खाया, ना प्यास लगी, ना भूख लगी, कुछ नहीं, सिर्फ वचन का भूखा हो गया, वचन को पढ़ना शुरू कर। वो 9 दिन की बाइबल पढ़ी हुई, आज तक मेरे को एक एक करेक्टर, एक एक लोग, एक एक जो भी बाइबल के अंदर है, सारे नबियों के बारे में, उनके बारे में मेरे को पता है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदला और लोगों के सामने बस प्रचार करना शुरू किया, साक्षी देना शुरू किया, चर्च वक्त से जाना शुरू किया। और वो टाइम था जब कोई भी ये सब चीज़ों के कारण मैं बर्बाद हो रहा था, लेकिन इन सब प्रभु के छूने के कारण, उसके माफ करने के कारण, अद्भुत कार्य करने के कारण, असंभव को संभव करने के कारण मेरे जीवन में शांति आई, आनंद आया, परिवार में आनंद आया, कर्जों से हटा, हर एक बुरी बातों से प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया और आपके सामने खड़ा हूँ और जीवन की गवाही दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिली, कई नौकरियां मिली, सबको छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करना, उसकी सेवा करने के कार्य को चुना। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रभु
यीशु मसीह की सेवा स्वर्ग राज्य के काम से बढ़कर कोई और दूसरा काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यही मैंने जाना और आज 6 साल हो गए अपने जीवन की गवाही देते हुए। सब बोलो आमीन। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर वो मेरे जीवन में कर सकता है तो आज आपकी बारी है। सब बोलो आमीन। अगर वो मुझे खड़ा कर सकता है तो आपको भी वो खड़ा करेगा। अगर वो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, आपके पापों को भी क्षमा करेगा। अगर वो मुझे चंगा कर सकता है, आपको भी चंगा करेगा। अगर वो मुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सकता है तो आज आपकी और आपके परिवार की बारी है। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारे और सारे संसार के मुक्ति दाता, मैं तेरा पवित्र लहू इन सब लोगों के ऊपर लगाता हूँ। yes. तेरा लहू इनके रक्षा और सुरक्षा yes. करे। अपा ये वचन, ये गवाही इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके फाइनेंस में 100 गुना फल लेकर आए। सभी जोर से बोलो आमेन। आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। 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 पहला इतिहास 4:10 क्या है ये भी बताओ ना। याबेश की प्रार्थना, याबेश ने कैसे प्रार्थना की? हे परमेश्वर तू मेरे हाँ आते मेरे उते आते मेरे उते कोई ना आ, जोर जोर से आते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आउन दे। बोलो बोलो कि मैनू पीड़ ना सहनी पे। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे। अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे। हम लोग जोर से नहीं बोल रहे, फिर नहीं सीखेगा। फिर एक बार आपकी पूरी आवाज पूरी ईमानदारी से बोलिए, हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे। अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे। मैनू पीड़ न सहनी पवे। कि मैनू पीड़ न सहनी पवे। याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आज ब्रदर सुशील ने आपको बताया, ये दिल्ली से आए, एक्चुअली बोले तो हमारा टीम का मेंबर है, पर यहाँ पर ये प्रोग्राम के लिए आने वाला नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने इनको यहाँ पर लेकर आया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कल 17 तारीख को काला अफगाना में भाई सन्नी की जगह पर इनके विलेज में कन्हैया के बंगर पारिश में प्रोग्राम है। सुशील तो उसी के लिए आया बोले तो, पर प्रभु की योजना यही रहा कि आपके बीच में प्रभु ने इनको खड़ा कर दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की योजना है। आप में से भी शायद कई लोग इधर आने वाले नहीं थे, आज प्रार्थना भवन टीवी से भी ज़्यादा बच्चे आए हैं, भाई लोग आए हैं, है ना। तो ये प्रभु की दया, देखो कितने अच्छा लग रहा है। ये नौजवानों को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, अपना टाइम प्रभु के लिए दे रहे हैं। ये वहीं पर बैठ सकता था। ये साहिल खड़ा है, ये भी म्यूजिशियन है। ये लेवी खड़ा है, ये भी म्यूजिशियन है। और कैमरा के सोनू भाई और रवि भाई है, तो अपना सहयोग दे रहे हैं। ये सब क्या है, नौजवान है। ये बोल सकते हैं भाई अपन क्यों जाना, मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, पर प्रभु के लिए आए ना, कितनी बड़ी बात है। आप लोगों को भी यीशु ने बुलाया है। बोलिए आमेन, आमेन। क्या आपको यीशु ने बुलाया, नहीं बुलाया?
यूं ही चले आए। कितने लोगों को लगता है कि यीशु ने मैनू बुलाया, अच्छा बाकी यूं ही चले आए। यीशु ने बुलाया, सब बोलो यीशु ने मैनू बुलाया है, यीशु ने मैनू बुलाया है, प्रभु यीशु ने मैनू बुलाया है, प्रभु यीशु ने मैनू बुलाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, हालेलुया 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 हालेलुया। सो यीशु ने बुलाया है, है ना। यीशु नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। कोई मकसद के लिए बुलाया, पूछो क्यों बुलाया होगा, पूछ मेरे को पूछो क्यों बुलाया होगा। अरे पूछो ना, बताऊं, अपने आत्मा से भरने के लिए, हालेलुया हालेलुया, अपनी शक्ति से भरने के लिए, हालेलुया हालेलुया। आज आप यीशु मसीह की शक्ति यानी खुदा की शक्ति यानी पवित्र आत्मा को, रूपा खुदा को स्वीकार करके इथों वापस जाएगा। सब बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। क्या आपको प्रभु की शक्ति की जरूरत है, प्रभु की शक्ति की जरूरत है? बोलते हैं मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूं। जिनको जरूरत है शक्ति का वह हाथ उठा के दिखाओ, जिनको पवित्र आत्मा की जरूरत है हाथ उठा के दिखाओ, बोले हालेलुया। कुछ लोगों को इतना ही जरूरत है, जितने जरूरत है उतने उसके हिसाब से हाथ उठाइएगा। अच्छा कुछ लोगों को आधा हिस्सा, आधा जरूरत है, मेरे को इतना जरूरत है, पता नहीं आपको कितना है, आपका क्या है? बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु प्रभु के आगे बोलो, ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है, मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है, मैंने तुहाडी शक्ति दी लोड है, मैंने तुहाडी शक्ति दी लोड है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने अपने शक्ति नाल भर दियो, मैंने अपनी शक्ति नाल भर दियो। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच चाहिदा है पावर, चाहिदा है पावर, चाहिदा है, बोलो फिर चाहिदा है। हालेलुया हालेलुया। आपकी आवाज में दम नहीं है कि तुहानु यीशु मसीह दी शक्ति दी लोड है, यीशु मसीह दी शक्ति नाल भरना चाहुंदे हो? हां जी। सच्चे दिल से दुआ करना चाहते हो? हालेलुया। ता परमेश्वर आपको आज अपनी शक्ति नाल, रूदी शक्ति नाल भर देगा। हालेलुया हालेलुया। रूदे अभिषेक नाल भर देगा। हालेलुया हालेलुया। इत्थों कोई भी खाली होकर ना जाएगा। बोले आमेन आमेन। जेड़ा इत्थों तक लेकर आया आगे भी लेकर जाएगा। बोले आमेन आमेन। विश्वास है, विश्वास है तो जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर। थैंक यू जीसस। और जोर से ताली बजा के परमेश्वर की शक्ति का महसूस कर। हले बड़ा सारा बहारा रबा ला ला बाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। पिछले दो दिन असी तो देखा है, हमने देखा है यीशु मसीह को मौके देने की जरूरत के बारे, हमने देखा यानी डिलीवरेंस के बारे देखा। यीशु जब आएगा सब कुछ बदल जाएगा। बोलिए आमेन। कल हमने देखा यीशु के वचन की शक्ति के बारे। हालेलुया। आज वो सचमुच वो पावर कैसे हासिल करना, यीशु मसीह की शक्ति यानी रूदी शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किस प्रकार अपने जीवन में महसूस करना, मुझे कैसे वो पावर हासिल होगा, इसके बारे हम देखेंगे। बोले हालेलुया हालेलुया। दो दिन मैंने आराधना चलाया, पहला डिलीवरेंस छुटकारा का आराधना चलाया, कल मैंने चंगाई का आराधना चलाया, आज मैं अनॉइंटिंग अभिषेक का आराधना चलाने वाला है। बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आज हो सके सबके ऊपर
हाथ रख कर ले हैंड मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बोलिए आमेन। आमेन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आज आप शक्ति धारण करके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कपड़े को धारण किया, वस्त्र को ओढ़ लिया, उसी तरह आज पवित्र आत्मा को धारण करके आप अपने घरों में वापस जाएगा। सब बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये पवित्र आत्मा का मतलब, पवित्र आत्मा की जरूरत है ये पता है ना? पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको? पवित्र आत्मा की जरूरत है? तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है जी? पवित्र आत्मा कौन है? हाँ जी, हाँ, साड़ी मददगार। अच्छा, और कोई बोल रहे हैं पर थोड़ा जोर से बोले तो सही बोल रहे। पाक तसलीसदा, तीसरा शख्स। आपकी जवाब बिल्कुल ठीक है, पर ऐसराम बोलेगा और चंगा लगेगा। पवित्र आत्मा ईश्वर है। सब बोलिए पवित्र आत्मा ईश्वर है। सज्जे हाथ ने ऊपर करके जोर से बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर करके जोर से बोल, पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? ईश्वर। ना ना, पूरा बोलना। पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कबूतर है, कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आग है, कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा पानी है, पर पवित्र आत्मा ना तो कबूतर है, ना तो आग है, ना तो वो कुछ चीज है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। बोलिए आमेन। आमेन। पिछले कुछ दिन पहले असी पाक तसलीस खुदा दी फीस्ट ईद मनाए सी, बाप बेटा रूपा खुदा दी, मतलब तीन खुदा नहीं है, खुदा तो एक है, खुदा तो एक है, हाँ, पर खुदा में तीन शख्स है, सक्षण कौन कौन? बाप बेटा अते रूपाक। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं उसका विस्तार में नहीं जाने जा रहा हूं, पर इतना तो जरूर बोलूंगा, बाप बेटा दे वांग पवित्र आत्मा भी ईश्वर ही है। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों अलग नहीं है, तीनों अलग नहीं, एक ही खुदा है, पर स्वभाव अलग अलग है। जैसे दिया जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा, मोमबत्ती में तो क्या है, ये दिया देखने को मिलता है, दिया का जो आकृति है, शेप है, रूप है, आपको दिखाई देता है। अच्छा, दिया जल रहा है, दिया आप मतलब बना भी सकते हैं, उसका पिक्चर भी बना सकते हैं। अच्छा, फोटो खींचेगा तो फोटो में भी आएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसको हाथ लगेगा तो जल जाएगा, उसमें ताप है, मतलब उसमें क्या है, गर्मी महसूस करेगा और रोशनी भी देता है। एक मोमबत्ती से रोशनी निकलती है, गर्मी निकलते हैं, ताप निकलते हैं और उसको देख भी सकते हैं, है तो मोमबत्ती एक, मोमबत्ती में तीन चीज़ों में देखने को मिलता है। इसी तरह खुदा तो एक है, बाप बेटा आदि रूपाक। बोले हालेलुया। 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 तो रूपाक खुदा, खुदा रूपाक, वो उसका एक नेचर है, वो बहुत जेंटिल है। जेंटिल के लिए क्या बोलते हैं पंजाबी में? जेंटिल ही बोलते हैं। अच्छा, क्या बात है। और बहुत नेक है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। बोले हालेलुया। हालेलुया। शांत स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है, वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं। जेंटलनेस मतलब गुस्से के बारे नहीं आएगा, वो ऐसे करेगा टक टक टक, जेंटलनेस का मतलब है। वो पूछ कर बैठेगा, कुर्सी देके यूं जाके नहीं बैठेगा, वो पूछेगा बैठ सकते हैं, हाँ, इसको जेंटलनेस बोलते हैं। हालेलुया। 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 और थोड़ा आवाज़ बढ़ाए ना, हालेलुया। और थोड़ा ओलियम बढ़ा दो ना,
हालेलुया। तोता जैसे नहीं होना चाहिए ना, फादर बोलेगा हम भी बोलेंगे, ऐसे नहीं। आप खुद अपने दिल की गहराई से प्रभु की महिमा करना चाहिए। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की वडियाई होवे, प्रभु यीशु की वडियाई होवे। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों ध्यान से सुनो, मैं कुछ बात आपसे बताना जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को अभिषेक के लिए प्रार्थना करना है। तो आज सबसे पहली बात है, पवित्र आत्मा कभी भी गुस्के मार के नहीं आता है, उसको आपको स्वागत करना होगा, बुलाना होगा। उत्पत्ति का ग्रंथ खोलिए, बाइबल खोलो, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय एक तो लेके तीन आयत पढ़ो, एक तो लेके तीन आयत पढ़ो। बाइबल का पहला ग्रंथ है, बाइबल का पहला ग्रंथ उसका पहला बाब एक तो लेके तीन आयत। आदि विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, ता उस समय धरती बिना किसी रूप दे अते सुन्नी सी, डूंगे समुद्र की सतह उत्ते हनेरा सी। हाँ, परमेश्वर का आत्मा पानिया उत्ते मंडला रहा सी। हालेलुया हालेलुया। जब कोई रूप नहीं सी, अनेरा छाया हुआ सी, उस वक्त समुद्र दे उते पवित्र आत्मा रूपा खुदा मंडला रहा सी। हालेलुया हालेलुया। फिर भी चानन नहीं सी, इसलिए परमेश्वर ने आखिया की आखिया, तीसरा वचन, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा चानन होवे ता एह हो गया, ता एह हो गया। हालेलुया हालेलुया। सारे सज्जे हाथ ऊपर करके बोले, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा चानन होवे ता एह हो गया, ता एह हो गया। और उची बोलो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा चानन होवे ता एह हो गया, ता एह हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा उठे मौजूद सन पर भी चानन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जदों तक वचन नहीं बोला जाता है, आत्मा काम नहीं करता है। बोलिए आमेन। इसलिए परमेश्वर का वचन जब बोल रहा है ना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए चंगाइयां हो रहा है, इसलिए आशीष मिल रहा है, इसलिए अभिषेक हो रहा है, इसलिए छुटकारा हो रहा है। क्यों? जब पवित्र पवित्र वचन बोला जाता है, पवित्र आत्मा को मतलब ड्यूटी मिल गया। बोलिए आमेन। जब तक पवित्र वचन नहीं बोलता, पवित्र आत्मा चुपचाप रहेगा, तोड़े नाल ही रहेगा, पर कुछ करेगा नहीं। ऑर्डर मिलना चाहिए ना, ऑर्डर मिलेगा तो काम करेगा। हाँ जी, तो परोठा ले आओ। हाँ, होटल में जाके ना ऑर्डर दे दिया तो आलू का परोठा, हाँ फिर बोलो परोठा आएगा। होटल में जाके बैठे रहेगा तो वो अपने आप तोड़ा लेकर आएगा। बोलना पड़ेगा ना, सानू ये चीज़ चाहिए है, फिर तो मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे उदाहरण से बुरा नहीं मानना, पवित्र आत्मा जंटिल है, स्वभाव से विनम्र है, बहुत सरल है। वो आपको है ना घुस के मार के नहीं आएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। बोले तो पवित्र आत्मा जबरदस्ती करके कुछ नहीं करेगा। अगर आप उससे पूछोगे मांगोगे, वो जरूर देगा। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। अपन पढ़ते हैं लूकास दी अंजील उदा 11 बाब 13 आयत पढ़ो। लूका दी अंजील उदा 11 बाब दा 13 आयत पढ़ो। लूका दी अंजील उदा 11 बाब, लूका 11 13, लूका 11:13। क्या लिखा है? जदों के तुसी हाँ बुरे हो के भी हाँ अपने बच्चियां नु चंगियां चीजां देना जानदे हो हाँ, ता स्वर्गी पिता अपने मंगण वालियां नु पवित्र आत्मा क्यों नहीं देवेगा। हालेलुया हालेलुया। मांगने वाले को, ये मांगने के लिए बोला, पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा को मांगना पड़ता है। क्यों? वैसे ही दे देगा, लेकिन आपको विनम्रता सिखाने के लिए, दीनता सिखाने के लिए, हलीमी सिखाने के लिए प्रभु ये बात बताते। क्योंकि आज पवित्र दिल का त्यौहार है, आपके चर्च में लिखे भी रखा है, क्योंकि ये आपका चर्च का भी फीस्ट है। इसलिए मैं सबको हैप्पी फीस्ट भी बोलना चाहता हूँ। आप सबको हैप्पी फीस्ट, हालेलुया, बधाइयाँ, हालेलुया, मुबारकबाद, हालेलुया।
प्रभु आप सबको आज पवित्र दिल के त्योहार के समय पर आशीर्वाद दे, आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, सब जोर से बोलो हालेलुया। क्या लेके रखा पंजाबी में है? हलीमते निम्र दिल यीशु, मेरे दिल नू अपने वर्गा बना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा का भी स्वभाव, क्योंकि खुदा तो एक ही है ना, वो पवित्र है, निम्र दिल वाला है, वो जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा आपके ऊपर, कोई आपको मजबूर नहीं कराएगा। बड़े शांति से आपसे बात करेंगे, आपको बड़े शांति से मतलब बात करेंगे, शांति से आपसे हर चीज़ को डील करेगा। बोले हालेलुया, कुछ ही बोले हालेलुया। तो प्रभु को बोलो सज्जे हाथ ऊपर करके, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने अपनी शक्ति नाल भर दियो, मैंने अपनी शक्ति नाल भर दियो, मैंने आपकी शक्ति दी लोड है, मैंने आपकी शक्ति दी लोड है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी बोलेगा उची बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा कब काम करेगा? जब वचन बोला जाता है। बोलिए आमेन, आमेन। दो चीज हमने देखा है, पवित्र आत्मा कब काम करेगा, कदों काम करेगा, जदों असी पवित्र वचन बोलता है। बोलिए आमेन, आमेन। जदों तक तुसी नहीं बोलोगे पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो बोलना बहुत जरूरी है, वचन बोलना जरूरी है। की बोलना जरूरी है? वचन। परमेश्वर का वचन जिथे भी बोला जाता है उत्थे रूपा खुदा कम करता है। सब बोले आमेन, आमेन। एक बार जोर से ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। इस पवित्र आत्मा सानू पहले बोलना, इस पवित्र आत्मा की सानू लोड़ है, जरूरत है। क्यों? जदों तक पवित्र आत्मा ना मिलेगा ना, असी पुतले वांग रहेगा। किस तरह रहेगा? पुतला देखा है? अरे बोलो ना, सिर मत हिलाना, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, देखा है जी। अच्छा, पुतला अपने आप चलता है? एक दो तीन करके फिर पुतला तो पुतला ही रहेगा। ऐसे पुतला के अंदर जीवन नहीं है। बोलिए आमेन, आमेन। साढ़े अंदर भी जीवन नहीं मिलेगा। जब तो पवित्र आत्मा आएगा सानू की मिलेगा? जीवन मिलेगा। यज़कएल नबी दा 37:14, यज़कएल नबी 37:14, यज़कएल नबी, यज़कएल 37:14 आयत। मैं अपना सा उन्हां विच पावांगा अते उन्हां नू जीउंदिया करके उन्हां दी धरती उत्ते रहण देवांगा, तद ओह जानणगे कि मैं प्रभु हाँ। मैं यह करन दी प्रतिज्ञा कीती है अते मैं प्रभु ने यह कहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पंजाबी बाइबल में थोड़ा सा घुमा के लिखा है, हिंदी तो बहुत सीधा है। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। बोलिए आमेन, आमेन। और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे पीछे बोलिए सज्जे हाथों पर, ऊंचे बोलना, वचन बोल रहे ना, ऊंचे बोलो। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, अपना आत्मा प्रदान करूंगा, और तुम में जीवन आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर, क्या आएगा? जीवन। आपके अंदर क्या आएगा? जीवन। अभी पंजाबी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो, साधी बारे लिखा ना। हाँ, मैं अपना सह उन्हां विच पावांगा अते उन्हां नू जीउंदिया करके। हाँ, मैं अपनी सह उन्हां दे विच पावांगा। हालेलुया, हालेलुया। रब मेरा पानी दकंद बनावे, हाँ, कदे पानी ते चल के आवे, कदे मिट्टी विच साव पावे, कदे मिट्टी विच साव पावे। रब मेरा पानी दकंद बनावे, कदे पानी ते चल के आवे, कदे मिट्टी विच साव पावे, कदे मिट्टी विच साव पावे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो मिट्टी विच साव पावेगा और तोड़े अंदर जीवन आ जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर असी जीवित नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही असी सारे जिंदा है। बोलिए आमेन, आमेन। क्या विश्वास करते हो? जब पवित्र आत्मा आएगा सानू की मिलेगा? जीवन। क्या मिलेगा? जीवन। तो पवित्र आत्मा दी लोड़ है? पवित्र आत्मा नहीं तो
जीवन नहीं पुतला है, जिंदा नहीं है। बोलिए आमेन आमेन। चलता फिरता रुक वांग है जी, रुक दे वांग चलता फिरता जीवन चाहिदा है, पवित्र आत्मा दी लोड है। बोलिए आमेन आमेन। जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आएगा सानू सच्ची अते असली मसीही जीवन बिताने की आशीष अते कृपा मिलेगी। सब बोले आमेन आमेन। जदों तक पवित्र आत्मा नहीं आया, पत्रस और उन्हां दे साथी डर के मारे मुहा बंद करके कमरे दे अंदर बैठा हुआ से। बोले आमेन आमेन। असीं पढ़दे हां ना बाइबल दे विच, वो सारे डरे हुए सन। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं आया। डर यीशु ने जो जिसने मरवा डाला, सानू भी मरवाएगा, सानू भी खत्म करेगा, ऐस करके सारे अंदर बैठे सन। जदों पवित्र आत्मा चेलियां दे उत्ते उतर आया, सब बाहर आ गया, उच्ची उच्ची आवाज नाल प्रचार करने लग गया। उत्ते इकट्ठे सारे लोग अपनी अपनी भाषा दे विच चेलियां दे मुँह चो सुनने लगा। बोले हालेलुया हालेलुया। अनोखी भाषाएं बोलने लगे, सामर्थ्य उतर आया। उस दिन तो लेके आज तक उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। वो कलीसिया का जन्मदिन सी, पेंदकोस के दिन पवित्र आत्मा चेलियां आते माता मरियम दे उते उतर आया। तो वो पेंदकोस आज तुहाडे लिए होने वाला है। बोले आमेन आमेन। सब बोले हालेलुया हालेलुया। वो शक्ति तुहानू भी मिलेगा, तुसी भी बोलना शुरू करेगा, तुसी भी गवाही देना शुरू करेगा। आज ये बेटे ने आपके सामने बोला, ये किसी के सामने कभी कुछ बोला ही नहीं है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, भारत के लिए मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुके हैं, पर किसी के सामने माइक लेकर कुछ बोला नहीं था। इनको प्रभु ने इतनी कृपा दी, ये बिल्कुल निडर होकर प्रभु की गवाही देने के लिए तैयार रहा। मैं आज भी याद करते, एक दिन ये आके मेरे को बोला, फादर जी मेरे को 5 मिनट दे दो, अब भी मैं 2 मिनट में इन सबको बदल के रखूंगा। मैंने सोचा मैं तो 1.5 घंटा बोला, किसी ने कोई तो बदला नहीं, ये 5 मिनट में किसको बदलाएगा। तो फिर भी है ना, इसके अंदर इतने आत्मा का पावर था, जोश था, तो मैंने कहा आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ। तो अभी 4-5 साल हो गए हमारे साथ है, हम एक साथ चलते हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। वो प्रभु की दया है। पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो शर्मिला एक बच्चा प्रभु के लिए हिम्मत के साथ प्रभु का काम करना, प्रभु के लिए खड़े होना, ये आसान की बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। सब बोले हालेलुया हालेलुया। आज आपको भी प्रभु इतने शक्तिशाली एक इंस्ट्रूमेंट बना देगा। सब बोले हालेलुया हालेलुया। मैं तो 4 लोगों के सामने भी कुछ बोलने के लिए डरता था, मेरा 5 दांत नकली है जो सामने दिख रहा है। 98 में प्रभु ने मेरे को मोटरसाइकिल से गिराया, मेरे दांत तोड़ा और मेरे को पटरी पर लाया। बोले आमेन आमेन। मेरे तो जुबली साल है दांत टूटने का, दांत टूटने का जुबली साल है जी। 25 साल पूरा हो रहा है अक्टूबर महीने में। मैं राजस्थान में रीजेंसी करता था, उस समय फादर नहीं बना था, तो मेरे प्रभु ने मेरे को जैसे संत बोलो उसको घोड़े से गिरा दिया, मेरे को मोटरसाइकिल से गिराया और मेरे को बोला मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोले हालेलुया हालेलुया। आज मैंने सुशील को बोल रहा था, तू क्यों इधर आया भाई, क्योंकि प्रभु को तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। आपको क्यों बुलाया, मैंने इसलिए सवाल पूछा, क्यों? यीशु मसीह ने बुलाया, क्यों? यीशु मसीह क्यों आपकी जरूरत है, जीसस नीड्स यू। यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। क्या आप तैयार होंगे? बोले प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री को आपको जरूरत है, तो आप तैयार नहीं होते? दिल्ली बुला रहे, 1-2-3 टेंशन, तैयार हो जाते बंदे। प्रधानमंत्री बुला रहे, चलो दिल्ली, आहा। तो आपको यीशु बुला रहेगा, तो मेरे को यीशु बुला, इसलिए मैं खड़ा हूं। आज पवित्र आत्मा को आपकी जरूरत है, यीशु मसीह को आपकी जरूरत, इसलिए बुलाया। आज यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, जिनको ये लगेगा ना
मेरे प्रभु को मेरी जरूरत है, फिर आपका वैल्यू है, फिर आपका वैल्यू है। अभी भाई सोनू सोचेगा अरे क्या जरूरत है, रवि भाई काफी है, मेरा क्या टेंशन है, मैं तो आज जाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी करेगा, लगना चाहिए ना मेरा जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरा वैल्यू है, मेरा प्रभु मुझे चाहता है, मेरा प्रभु मुझे मेरी इंतजार करेगा, वो मेरे लिए वेट करेगा, मेरी मेरी मतलब उड़ी करेगा। हा 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 क्या बात है, जब ईश्वर को आपकी जरूरत है तो कौन रोक सकता है यार, तो वो जाएगा, जान देगा जान। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यही तो बात है जी, हर एक को लगना चाहिए मुझे मेरे प्रभु मुझे चाहता है, मेरे प्रभु को मेरी जरूरत है। बोलिए आमेन आमेन। कितने लोगों को लगता है मेरे प्रभु को मेरी जरूरत है, कितने लोगों को लगता है, दोनों हाथ उठा के दिखाओ तब तो पता चलेगा, बाकी कंजूसी लोगों का निशान है एक हाथ उठाना। बोले हालेलुया, दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु को मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। वो इसलिए चुन लेते हैं, इसलिए बुला लेते हैं, इसलिए नियुक्त करते हैं, पॉइंट करता है। ही कॉल्स, ही कॉन्सक्रेट्स एंड ही अपॉइंट्स। जब मिलेगा ना ड्यूटी, मेरे को कोई फादर लोगों ने, कोई बिशप ने ड्यूटी नहीं दिया, मेरे खुदा ने बुलाया है, मेरे यीशु मसीह ने बुलाया, अपने काम में नियुक्त किया, मेरे को किसी ने नहीं बोला जाकर प्रचार कर, किसी ने नहीं बोला, दान तोड़कर बताया मेरा काम करेगा। बोलिए आमेन आमेन। मैंने कहा यस बॉस, यस लॉर्ड। दान रूठा तो फिर क्या करेगा, बोला तो बोले मेरा काम करेगा। मैंने कहा यस, मेरे को प्रभु ने बोला मैं तेरे को दिखाऊंगा मैं तेरे साथ क्या क्या करता है। 25 साल पहले मेरे को समझ नहीं आया, पर आज मेरे को पता है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में प्रभु मेरे को लेकर जा रहा, आज भी जा रहा है, कल भी प्रोग्राम है, आगे भी प्रोग्राम है, पूरे जुलाई महीने में मेरे को रिट्रीट है, फिर अगस्त महीने में भी जा रहा है, सितंबर अक्टूबर जा रहा है, नवंबर में जा रहा है, प्रभु लेकर जा रहा है, मैं तैयार हूँ। बोलिए आमेन आमेन। जब तक जीऊंगा, क्योंकि इसलिए मैंने तुम्हें जीवित रखा, मैं अपनी शक्ति का परिचय दूं और तुम मेरा नाम लेकर दुनिया के कोने कोने में उसका प्रचार प्रसार करेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। हाँ, निर्गमन 9:16 में लिखा है, कूचता ग्रंथ 9:16, कल मैंने शाम को बताया था। बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों ध्यान दो, पवित्र आत्मा को हमारी मतलब पवित्र आत्मा हमें चाहिए, सानू पवित्र आत्मा की लोड़ है, प्रभु नु भी साडी लोड़ है, ता फिर एक डील बनाओ ना, प्रभु मैनू तुहाडी लोड़ है, आह मैनू तुहाडी लोड़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं मुझे भी तेरी जरूरत है बेटा बेटी। बोलिए आमेन आमेन। प्रभु साडे बिना भी काम कर सकता है जी, ये मत सोचो प्रभु काम नहीं कर सकता, जगर तुसी ना हो मैं ना हो ता भी प्रभु काम कर सकता है, पर प्रभु दे बिना असी की कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। बोले हालेलुया हालेलुया। सही है गलत, सही है गलत, साडे तो बगैर भी खुदा काम कर सकता है, लेकिन खुदा तो बगैर असी की करे, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सानू प्रभु दी जरूरत है। सब बोलो मेनू प्रभु, मेनू प्रभु तुहाडी जरूरत है, तुहाडी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। वो पावर चाहिदा है, वो शक्ति चाहिदा है, पवित्र आत्मा दी लोड़ है। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा किस तरह काम करता है, पवित्र आत्मा दी लोड़ सानू है, हमने देख लिया, हुण उस पवित्र आत्मा को किस तरह प्राप्त करना देखने जा रहा है। चार चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, चार यानी पांच चीज बोलूंगा। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील, यूहन्ना दी अंजील 7:37 पढ़ो, यूहन्ना 7:37 जॉन 7:37 पढ़ लीजिए, 37 और 38 पढ़ो, 37 और 38 दोनों पढ़ो। त्योहार दे अंतम अते प्रमुख दिन यीशु ने खड़े होके उच्ची आवाज नाल पुकार के कहा, जेकर कोई तिहाया है तो वह मेरे कोल आए अते पीए, जिस तरह धर्म ग्रंथ विच लिखिया होया है, वह जेड़ा मेरे उत्ते विश्वास करता है उसके अंदरों जीवन जल दियां
ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਔਰ ਪੀਏ ਪੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਪਿਆਸੇ ਹੋ, ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਕੋ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਆਮੇਨ। ਹਾਂ, ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੋਲੀ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਕਿਸ ਕੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਰੂਪਾਕ ਕੇ ਲਈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ ਆਤਮਾ। ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ? ਪਿਆਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ? ਬੜੋ ਬੜੋ ਵਚਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਟੂ ਮੀ, ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੀ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਂ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸਭ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਸਕ। ਯੂ ਮੈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ। ਯਹੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ, ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਯੋਹਨ ਲੂਕਾ 11:13, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11:13 ਪੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਲੂਕ 11:13 ਫਿਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੁਰੇ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਮ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਸੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
मंगना चाहिदा है। बोले हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलो हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैनु पवित्र आत्मा दी लोड़ है, मैनु पवित्र आत्मा दी लोड़ है, मैनु अपनी शक्ति नाल भर दियो, मैनु अपनी शक्ति नाल भर दियो, मैनु अपने पवित्र आत्मा नाल भर दियो, मैनु अपने पवित्र आत्मा नाल भर दियो। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगो ना, मांगो तो मिलेगा। बोलिए आमेन आमेन। मांगे तो मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। और क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना है? हालेलुया हालेलुया। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। हालेलुया हालेलुया। जो मांगा है मिल जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हक से कहो, शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। जो मांगा है मिल जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ भाई, अनिल कांत का गाना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर। बोलिए आमेन। यीशु के नाम पर मांगना है। बोलिए आमेन आमेन। एक सीक्रेट आपको बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए है, किसी को मत बोलने का। किसी को बोलोगे? खोलो खोलो बाइबल खोलो। यूहन्ना, यूहन्ना 14:16, ये आपके लिए स्पेशल है ना। जैसे है ना, थोड़ा सा कड़ा भी बनाया बोलते हैं ना, इसी तरह थोड़ा मीठा भी बनाया, आपके लिए मीठा है, आपके लिए स्पेशल वचन दे रहा हूँ। यूहन्ना 14:16, जॉन 14:16, क्या लिखा है? मैं पिता नु बेनती करांगा, मैं पिता नु बेनती करांगा, अते ओ तुहानु दूजा मददगार देवेगा, दूजा मददगार देवेगा, कि ओ सदा तुहाडे नाल रहे, जो सदा तुहाडे नाल रहे। बोले हालेलुया हालेलुया। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उन तुहाडी मेहनत दी लोड़ नहीं। वचन दे विच लिखिया है, सीक्रेट है ये, अधिक लोग बोलता नहीं चीज को। हुण तुसी मेहनत ना करो जी, प्रभु आप कह रहा है मैं पिता नु विनती करांगा। बोले हालेलुया हालेलुया। I will pray to the father and he will give you another helper who will be with you forever। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए आमेन आमेन। क्या बात है जी, आपको दुआ करने की जरूरत नहीं। कौन दुआ करेगा, कौन दुआ करेगा जी? प्रभु यीशु। कौन दुआ करेगा? प्रभु यीशु। किसके लिए दुआ करेगा? मेरे लिए। बोलिए आमेन। किससे दुआ करेगा? पिता से। किससे दुआ करेगा? पिता से। कई के लिए दुआ करेगा? दूसरे मददगार के लिए। किसके लिए? तो पहला मददगार कौन है? प्रभु यीशु। पहला मददगार कौन है? दूसरा मददगार कौन है? पवित्र। उच्ची बोलो ना, दूसरा मददगार कौन है? और फिर वो पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? हाँ वेरी गुड। वो क्या करेगा? एक दिन के लिए, दो दिन के लिए है, वो सदा तुम्हारे नाल रहेगा। हालेलुया हालेलुया। He will be with you forever and ever and ever and ever। हालेलुया हालेलुया। Everlasting to everlasting, हमेशा से हमेशा तक, अनंत काल तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, पुराने नियम दे विच पवित्र आत्मा नियमित रूप में लोगों को दिया जाता था, पवित्र आत्मा आता था और जाता था। पर नया नियम के विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट? पवित्र आत्मा आया, अब कभी वापस नहीं है। बोलिए आमेन आमेन। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सब बोले हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भरकर बोलो हालेलुया हालेलुया।
प्रार्थना आत्मा के बगैर भी कर सकता है, लेकिन आत्मा में दुआ कर, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोले हालेलुया हालेलुया। वचन तो मैं गा गा कर सीखता हूँ, मैं गाने के लिए नहीं गाता हूँ, मैं सीखने के लिए गाता हूँ। किसी भी हालत में वचन सीखना होता है। बोलिए आमेन आमेन। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता नु विनती करांगा, वो तुम्हें तुहानू एक दूजा मददगार प्रदान करेगा, जो सदा तुहाडे नाल रहेगा। बोलिए आमेन आमेन। आई विल प्रे टू द फादर। एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में सीखो ना, पर अंदर रख लो, मेरा खुदा मेरा यीशु मेरे लिए दुआ करेगा। आज जब यीशु दुआ करेगा, अब्बा पिता देगा या नहीं देगा? देगा। बोलो ना, देरी करेगा? आज नहीं कल आओ, बोलेगा? फिर जिस तरह प्रभु यीशु ने बोल दिया, उससे वक्त आत्मा आपको मिल जाएगा। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा नु प्राप्त करने के लिए सब तो पहला प्यासा होना चाहिए है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यीशु दे कोल जाना है। तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा नु मांगना है। फिर चौथा की है, मत पूछो, चौथा की है जी। हाँ पढ़ो पढ़ो, योहन्ना 7 में आ जाओ, 7:37 में क्या लिखा है लास्ट में? जो मुझे मुझमें विश्वास करता है, मतलब यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। 38 में क्या लिखा है? 38 में क्या लिखा है? जिस तरह धर्म ग्रंथ विच लिखा होया है, हाँ, वह जेड़ा मेरे उत्ते विश्वास करता है उस दे अंदरों जीवन जल दियां तारा फुट पैन गिया। हाँ अगे भी हाँ, पर सैंती पढ़ो, आपके सैंती में लिखा है, सैंती पूरा पढ़ो जी। यदि कोई प्यासा उधर, जेकर कोई तिहाया है ता ओह मेरे कोल आए अते पीवे। हाँ अते पीवे उधर ही लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल में 38 में लिखा है। बोले हालेलुया हालेलुया। प्यासा होना, यीशु दे कोल आना, तीसरा यीशु तो, यीशु तो, अरे उच्ची बोलो, यीशु तो। पहला क्या है? प्यासा होना। बोलो पहला, दूसरा उच्ची बोलो, तीसरा यीशु तो चौथा है पीना है। बोलिए आमेन। हुण पीना चाहिदा है। हालेलुया। यू हैव टू ड्रिंक, पीना है। बोले आमेन आमेन। ये पीना किस तरह है? हाँ, ये सब तो महत्वपूर्ण गल है, ध्यान नाल सुनो। देखो दुनिया दे विच प्यासा बहुत है पवित्र आत्मा दे लई। हाँ जी मैनू चाहिदा है चाहिदा है, और यीशु दे कोल भी जाता है, फिर मंगदा भी है, लास्ट में की रह जाता है? पीते नहीं। बोलिए आमेन आमेन। ये किस तरह कर सकता है, मैं तुहानू समझावांगा। बोलिए आमेन आमेन। जाइए मार्कुस दी अंजील 11 बाब दा 24 आयत, मार्कुस दी अंजील 11 बाब दा 24 आयत, इहदा जवाब उत्थे मिलेगा। मार्कुस दी अंजील 11 बाब दा 24 आयत, मार्कुस 11 उसका 24 Mark 11:24 Mark 11:24। इसलिए जो कुछ तुसीं प्रार्थना विच मंगो विश्वास करो कि ओह तुहानू मिल गया है ता ओह तुहानू सचमुच मिल जावेगा। हालेलुया हालेलुया। जो तुसी प्रार्थना विच मंगदे हो विश्वास करो तुम्हें तेनू मिल गया है और सचमुच तुहानू मिल जावेगा मिल जावेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। हाँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। हिंदी में ऐसा है। बोले आमेन आमेन हालेलुया। अब सुनिए, आजकल ऑनलाइन में भी शॉपिंग करता है,
कुछ चीज चाहिए तो बोलो, क्या कैसे करते भाई? ऑनलाइन में मंगवाते हैं ना, क्या मंगवाते हैं आप लोग? कपड़े, पिज्जा, पिज्जा लेते हैं। हाँ पिज्जा, फिर की करता है? ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ ऑर्डर करना पड़ता है, फिर कैसे? पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट पहले करना पड़ता है बाद में? पहले, पहले करना पड़ता है ना, बाद में वाला भी है लेकिन पहले भी करता है। जी जी जी। हालेलुया, हालेलुया। और मोबाइल चाहिए, मोबाइल मंगवाना है, बोलिए आमेन। ऑनलाइन में मोबाइल मंगवाना है तो कि ये पहले पेमेंट करना पड़ता है ना? जी जी। पहले पेमेंट करना पड़ता है, फिर कितने दिन में आएगा? 7 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, कर्ब वो जो बताते उतने दिन है, बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर कुछ लोग कंपनी वाला बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जब सामान लेकर आएगा तब देना है, पर ज्यादातर लोग तो पहले पेमेंट मांगते हैं फिर सामान आएगा, बोले आमेन, आमेन। आई मेरी बात समझ? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं पहले विश्वास करो। मान लो उदाहरण के लिए बच्चे का वरदान चाहिए। हाँ जी, अभी बोल रहे कोई आके सानू बच्चा नहीं है, बच्चे का वरदान के लिए प्रार्थना करो फादर जी। फादर जी ने प्रार्थना की, मौके पर बच्चा होगा? नहीं जी, 9 महीने चाहिए कम से कम, है कि नहीं जी? नहीं चाहिए, बताओ। इसी तरह प्रार्थना तो तुसी आज कर रहे हैं, प्रार्थना तो आज कर रहे हैं, पर विश्वास भी आज ही करो, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कि वो सानू मिल गया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो अपने समय पर दित्ता जावेगा, बोलिए आमेन, आमेन। आई कुछ बात समझ? मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूं जो निसंतान दंपति लोग हैं, मैं कहता हूं आज धन्यवाद बोल, ये वचन पढ़ना, उसके बाद धन्यवाद आज करो, धन्यवाद आज बोलो, प्रभु थैंक यू, क्यों? मिल गया है। हाथ में कब मिलेगा? 9 महीने के बाद, बोलिए आमेन। इसी तरह ऑनलाइन में जैसे पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद 4-5 दिन, 7-8 दिन के बाद आपको मोबाइल या कोई भी ऑर्डर किया मिल जाता है। इसी तरह पहले पेमेंट कर लिया, पर विश्वास करो ना, आएगा, आएगा पक्का, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा को चाहिए, चौथा चीज है पीना है, पहले विश्वास करो पवित्र आत्मा मेनू मिल गया है, बोले हालेलुया, और फिर पवित्र आत्मा दिता जावेगा, हालेलुया। इसको कहते पीना, इसको कहते पीना जो विश्वास करना चाहिए है, जो तो विश्वास करेगा पवित्र आत्मा मेरे उत्ते है, प्रभु ने कहा है, क्या है? प्रभु दी आत्मा मेरे उत्ते है, प्रभु दी आत्मा मेरे उत्ते है, यीशु मसीह ने कहा लूका 4:18 में, यशायाह नबी का ग्रंथ खोल कर कहा प्रभु दी आत्मा मेरे उत्ते है, प्रभु दी आत्मा मेरे उत्ते है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। ये सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा की रूह पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का विश्वास था, आपका विश्वास है? आपका विश्वास है? हाय 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 हाय, आपका विश्वास है? नहीं है। कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु का आत्मा मेरे होते हैं? बोलो फिर, सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते हैं, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते हैं। विश्वास दें, दूसरे हाथ सीने से लगाओ, सज्जे हाथ मतलब सर पे रखो, खब्बे हाथ जो सीने दे उत्ते लगाओ, और जोर से बोलो, आप अपने आप बोलो, वचन बोल रहे हो, जोर से बोलो, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते हैं, मेरा शरीर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है, पवित्र आत्मा दा मंदिर है। आमेन, 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 आमेन। खुदा दी रूह, खुदा दी रूह मेरे अंदर वसदा है, मेरे अंदर वसदा है। मेरा शरीर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है, पवित्र आत्मा दा मंदिर है। सब लोग खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ, स्प्रिंग जैसे, शाबाश, एकदम, हां शाबाश, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 3:16, बोलिए पहला कुरिन्थी 3:16, बोलो पहला कुरिन्थी
3:16 पूरा पीछे बोलो भाई, पहला कुरंथी 3:16 उची बोलो, पहला कुरंथी 3:16 बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ, कुरिन्थियानु लिखा हुआ पहला पत्र 3:16 आयत शॉर्ट में बोलेगा पहला कुरिन्थी 3:16 हालेलुया हालेलुया। कुरिन्थियानु लिखा हुआ पहला पत्र 3:16 आयत उते लिखा है कि तुसी नहीं जानते हो कि तुहाडा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं गाऊंगा इसको, मेरे पीछे गाना पड़ेगा, बोलिए आमेन हालेलुया। उची बोलो हालेलुया हालेलुया। उसके बाद असि आराधना शुरू करेंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया बोलो। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया और हाथ ऊपर करके। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। अभी माइक वाले नहीं, आप लोग बोलिए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, बोलिए। कुछ भी सीखना है तो उची बोलना हाथ बढ़ा के। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। बोलिए बढ़ा देना। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। उसकी आत्मा, हालेलुया बोले हालेलुया। इसका एक्शन भी है, सीख लो। मेरा शरीर दिखाओ ना, मेरा शरीर दिखाओ, सभी बोलते हुए जोर से। मेरा शरीर ईश्वर का, कुछ बोलो, ईश्वर का मंदिर है, मंदिर है, मंदिर बनाओ ऐसे, मंदिर है, मंदिर है, उसकी आत्मा, आत्मा, अच्छे से दिखाओ, उसकी आत्मा मुझ में, सिर से लेके पांव तक झुकना अच्छे से, मुझ में रहती है। अभी ईमानदारी से करना पड़ेगा, कंजूसी नहीं, पत्थर जैसे ये खंबे वांग नहीं खड़े होना। मेरा शरीर शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। ताली बजा के गाएंगे, उसके बाद एक्शन करेंगे। मेरा शरीर आराधना के लिए तैयार हो जाएं। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। आप लोग आइए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरा
मेरा शरीर जोर से मेरा शरीर हालेलुया भी जोड़ो हालेलुया फिर से सुनो मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया बोलिए मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया 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 कुछ लोग तो खंभे जैसे खड़े हैं सीट का हड्डी ठीक होगा झुको पांव तक पहुंचना चाहिए था बोलिए आमेन आमेन हाँ फिर से एक बार फिर मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है उसकी आत्मा मुझ में रहती है हालेलुया 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 जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें हालेलुया बोले हालेलुया हालेलुया एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने ली वो है यीशु के लहू से धुल जाना बोलिए आमेन आमेन वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट यू विल रिसीव द होली स्पिरिट से आमेन आमेन यीशु के लहू से धो दिया जाए पाप मुक्त हो जाएगा बोलिए आमेन आमेन और ब्लड वॉश्ड बॉडी यीशु के धुले हुए शरीर पवित्र आत्मा को आकर्षित करता है बोलिए आमेन आमेन इट अट्रैक्ट्स द होली स्पिरिट से आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा इससे बढ़कर कोई योग्यता नहीं है बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया सच्चे दिल से मांगना है सारे गोड्डे ठेके सारे गोड्डे ठेके पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु को हम स्वागत करें बाप बेटा रूपा खुदा को स्वागत करें पिता पुत्र पवित्र एक आत्मा त्रिय के ईश्वर को हमारे बीच में हमारे दिल में हमारे मन में हमारे जीवन में हमारे परिवार में स्वागत करें हालेलुया पवित्र आत्मा के एक विशेष खास अभिषेक के लिए प्रार्थना करें हालेलुया 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 सारे जोर से बोले हालेलुया 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 प्रभु यीशु दी बड़ियाई होवे प्रभु यीशु दी बड़ियाई होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे हालेलुया 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 स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो 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 स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो
स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, तालियां बजाते हो बोलिए, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी पूरे योशे, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी प्रभु की स्तुति करते हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, सकल चराचर काके तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, मुक्ति दाता यीशु, यीशु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, शांति प्रदाता यीशु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, 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 यीशु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, 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 आमेन, 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 महिमा, महिमा, यीशु तेरी महिमा, 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 सारा मंडल काते तेरी महिमा, 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 यीशु तेरी महिमा, सूरज चांद काते तेरी महिमा, 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 यीशु तेरी महिमा, संतों के संग संग काते तेरी महिमा, 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 यीशु 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 तेरी महिमा, दूतों के संग संग यीशु तेरी महिमा, 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 यीशु तेरी महिमा, दूतों के संग संग
महिमा सकल चराचर गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा पृथ्वी पाताल गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा पर्वत नदियां गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा जंगल नदियां गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा सागर समतल गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा तारा मंडल गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा मुक्ति प्रदाता यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा सर्वोच्च ईश्वर यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा राजाओं का राजा यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा विश्वमंडल के प्रभु यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया Hallelujah, 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 मौजूद है हालेलुया आराधना
हाथ बढ़ाए सभी लोग, अपने आंखों को बंद करें। आराधना 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 आराधना, ऊंचे स्वर में बोलिए आराधना 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 आराधना। सीने से लगाए, आंखों को बंद करें, महसूस करें, यीशु मसीह का प्यार महसूस करें, उसकी शक्ति को महसूस करें। प्रभु कहता है ऊपर से शक्ति आने तक यरूशलेम को न छोड़ना, वही शक्ति से आज आपको प्रभु भर देगा, वही आत्मा से भर देगा। प्रार्थना करते जाए, स्तुति करते जाए, वर्शिप करते जाए। तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है, यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है। सब बोले यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है। सब बोलिए यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है। आराधना 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 अब्बा, आराधना आराधना गोरी गोरी आराधना उठाए यीशु की ओर, देखिए यीशु वाल देखो, अपने हाथों को लहराए। दूतोंगे संग संग संतोंगे संग संग आराधना आराधना आमेन आराधना 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 आराधना। ताली बजाकर आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना हमें आराधना बोलो आराधना हमें आराधना आराधना हाथ उठा के ताली बजाए आराधना हाथ ऊपर आराधना आराधना सीने से लगाए अपने आंखों को बंद करें अपने अखानों बंद करें सीने ते अपने हाथ लगाएं आराधना में लीन हो जाएं तेरी सुधी आराधना प्यासा होकर यीशु के पास आए और यीशु से मांगे प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है बोले हालेलुया 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 जितने लोग आज पवित्र आत्मा के खास
विषय के लिए मतलब चाहते हुए यीशु के पास आना चाहते हैं। आज सचमुच वे लोग जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, हाथ उठाइए, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वे लोग एक कदम आगे बढ़ाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, जिनको आज पवित्र आत्मा की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, एक कदम आगे बढ़ाओ, बोले हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप एक कदम बढ़ाकर क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं तैयार, हाँ बोले आमेन, आमेन, हाँ मैं तैयार, हाँ मैं तैयार, हाँ बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे कीजिएगा, बोले हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, बोले आमेन, आमेन। हाँ एक बार नीचे करो, देखते कितने लोग सुनते हैं, बोले आमेन, आमेन। हाथ नीचे करो, हालेलुया, हालेलुया, नीचे करो। और सबसे पहले जब मैं अभिषेक का प्रार्थना करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको यीशु मसीह को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में अपनाना पड़ेगा, बोले आमेन, आमेन। क्या तुसी तैयार हो ये कहकर घोषणा करने के लिए, मानने के लिए तैयार है, मनने दिले तैयार है कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है? कितने लोग तैयार है? जबरदस्ती नहीं है, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी गल है, यीशु मसीह ने शैतान नु हमेशा के लिए पराजित किया, मौत उते फतेह पाया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे पापा तो मैनु आजाद किया, शैतान नु पराजित करके मैनु सारे पापा तो आजाद किया, मेरे पापा दे लई अपना लहू बहाकर मैनु और मेरा उद्धार किया है। विश्वास करने वाला हाथ उठाओ, बोले हालेलुया, हालेलुया। ये जब हम विश्वास करोगे यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु ने शैतान नु और मौत नु हमेशा के लिए खत्म कर दिता, और पापा तो मौत तो पाप दे सारे बुराइयां तो यीशु मसीह ने मैनू आजाद करके मेरा उद्धार किया, ये विश्वास करने के लिए तैयार है, वो आज पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जाएगा, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग ये घोषणा करने तैयार है, ये ईमान की घोषणा करने तैयार है, ईमान लाने तैयार है यीशु मसीह के उते, वे अपना दोनों हाथ उठाओ, वे अपना दोनों हाथ उठाओ, यीशु मसीह दे ते ईमान लाने तैयार है, वो आज रूपांक नु ग्रहण करके जाएगा, सब बोले आमेन, आमेन। और जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप एकमात्र एकमात्र सच्चा ते जिंदा खुदा है, सच्चा ते जिंदा खुदा है, तू ही मेरा मुक्ति दाता है, तू ही मेरा मुक्ति दाता है, यीशु है मेरा मुक्ति दाता, यीशु है मेरा मुक्ति दाता, यीशु ही मेरा मुक्ति दाता है, यीशु ही मेरा मुक्ति दाता है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, यीशु ही मेरा एकमात्र मुक्ति दाता है, यीशु ही मेरा एकमात्र मुक्ति दाता है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, हालेलुया, 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 हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास दे नाल, मैं विश्वास दे नाल घोषित करता हां, वर्शिप करता हां, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने शैतान नु, शैतान नु, पापा नु, पापा नु हमेशा के लिए, हमेशा के लिए खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, पराजित कर देता है, पराजित कर देता है, आमेन, 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 आमेन। हुण शैतान, हुण शैतान और उसकी सारी सेना नु, और उसकी सारी सेना नु मेरे उते, मेरे उते कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, यीशु नु, यीशु नु मेरे उते अधिकार है, मेरे उते अधिकार है, क्योंकि, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, यीशु ने, यीशु ने शैतान ते, शैतान ते, मौत ते, मौत ते फतेह पाया है, फतेह पाया है, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा विश्वास,
विश्वास है, मेरा विश्वास है, इसका मैं घोषित करता हूँ, इसका मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने आपने मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए खून बहाकर, रक्त बहाकर, रक्त बहाकर, पापा तो मेनू मेनू हमेशा दे लई, हमेशा दे लई, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, मेनू मेरा उद्धार किया है, मेरा उद्धार किया है। यीशु, यीशु, आपने मेनू बचाया है, आपने मेनू बचाया है, यीशु ने मेनू बचाया है, यीशु ने मेनू बचाया है, यीशु ने मेरा उद्धार किया है, यीशु ने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की बढ़ियाई कर। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुनो, जो कोई ईमान दे नाल ये गल्लां दी घोषणा कीता है वो आज आजाद किया गया है। बोलिए आमेन, आमेन। वे सब नया किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उन शैतान और उसकी कोई शक्ति ने तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। बोलिए आमेन। शैतान को और उनके किसी भी शक्ति को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उच्ची बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग पवित्र आत्मा के लिए तैयार है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वक्त असी प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलिए आमेन। मैं अभी सबके बीच में आना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग अपने दोनों हाथ सिर पर रखो, अपने आँखों बंद करें, ध्यान दो, कोई भी इधर उधर ना देखेगा। यह आत्मा का अभिषेक का वक्त है। बोले आमेन, आमेन। यह अभिषेक का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। प्यासा होकर विश्वास करते हुए यीशु दे कोल आकर मंगना है, बोले यीशु मैं तेरे तो पीना चाहते हाँ। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो हम पवित्र आत्मा के लिए गीत गाने जा रहे हैं, और उसके पहले मेरे पीछे बोलेगा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ऊंचे स्वर में बोलेगा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है, ए यीशु, ए यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। शूले, 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 रूदे शोले उतरा, आमेन। रूदे शोले उतरा, आमेन। स्वर्ग खुल जा, आमेन। आत्मा की शक्ति आ जा, आमेन। पवित्र आत्मा, सिर पे रखो, कोई ताली नहीं बजाएगा, आँखें बंद कर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ।
इस मंदिर में तुम बस जाओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ, स्वर्ग से उतर आओ। ज्योति जला कर मेरे मन को आलोकित कर दे। वचन की ज्योति जला कर मेरे मन को आलोकित कर दे। वचन की ज्योति जला कर मेरे मन को आलोकित कर दे। वचन की ज्योति जला कर मेरे मन को आलोकित कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। सभी लोग प्रार्थना करें इस वक्त, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते जाओ। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए प्रभु जी, आज स्वर्ग खुल जाए। आग के रूप में पवित्र आत्मा इन सबों के ऊपर उतर आए। जीसस, सेंड फोर्थ योर स्पिरिट, सेंड फोर्थ योर स्पिरिट, फॉल अपॉन एवरीवन, फायर, फायर, फायर अनॉइंटिंग, फायर अनॉइंटिंग, फायर अनॉइंटिंग, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, रू दे शोले, रू दे शोले, हालेलुया। पावन लहू से धोकर मुझे पावन कर दे आत्मा। पावन लहू से धोकर मुझे पावन कर दे आत्मा। पावन लहू से धोकर मुझे पावन कर दे आत्मा। पावन लहू से धोकर मुझे पावन कर दे आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ, स्वर्ग से उतर आओ, उतर आओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। कर दे आत्मा। अपने दान पलों से मुझे अभिषेक कर दे आत्मा। अपने दान पलों से मुझे अभिषेक कर दे आत्मा।
मुझे अभिषेक कर दे आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतरा हो, उतरा हो, स्वर्ग से उतरा हो, उतरा हो, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, दोनों हाथों को ऐसे बढ़ाओ प्रभु की ओर बढ़ाओ, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाओ और मेरे पीछे बोले, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, मेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा। दोनों हाथों को सीने से लगाए, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा। दोनों हाथों को सीने से लगाए, तेरे लिए मैं प्यासा, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दे आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतरा हो, उतरा हो, स्वर्ग से उतरा हो, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ। अरे बोलिए, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तुम बस जाओ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, उतराओ, स्वर्ग से उतराओ, शरण Hallelujah.
बड़ाई करे। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। और जोर से ताली बजाए, और जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर, विश्वास कर, मेरे थे पवित्र आत्मा बसता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दी आत्मा मेरे होते हैं, आमेन, आमेन। प्रभु दी आत्मा मेरे होते हैं, आमेन, आमेन। मेरा शरीर उसका मंदिर है, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाला जोर से ताली बजा के धन्यवाद करे। बोले हालेलुया। बस आपका काम काज बदलना है, क्योंकि पावर आ गया आपके अंदर। खुदा की शक्ति है पवित्र आत्मा। बोलिए आमेन, आमेन। आपके अंदर पावर है बुराई से लड़ने का, आमेन। शराब नशे से लड़ने का, आमेन। हर प्रकार के दुष्ट से लड़ने का, आमेन। दुष्ट की शक्तियों से लड़ने का, आमेन। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो याद रखना, अब से आप कमजोर नहीं, अब से आप अकेला नहीं, आपका मददगार आपके साथ है। बोलिए आमेन, आमेन। कई के लिए आपकी मदद करने के लिए, बोलिए आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा नित्य सहायक, मेरी मदद करने आजा, बोलते जाना है। बोलिए आमेन, आमेन। एक बार बोल दिया, आपकी मदद के लिए पवित्र आत्मा मौजूद होंगे। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग उठने ठेके, इस वक्त पवित्र परम प्रसाद की आशीर्वाद ग्रहण करें। इलाही पे दिलो सिजदा करिए बारंबार, इस इलाही पे दिलो अहद पुराना मात होवे, नवा अहद बदता जावे, अहद पुराना मात होवे, नवा अहद बदता जावे। वेख ना सकदी आँख जिसनू, वेख ना सकदी आँख जिसनू, सिर ही दसदाई मां उसनू, सिर ही दसदाई मां उसनू। इस इलाही पे दिलो बाप खुदा दे बेटे ने, सदा गाइए महिमा गी, बाप खुदा दे बेटे ने, सदा गाइए महिमा गी। ओ ना चो निकले पाक रूदी, ओ ना तो निकले पाक रूदी, इज्जत यूसत पूरी होवे, इज्जत यूसत पूरी होवे, इस इलाही पे दो। तू नानु आसमानी रोटी दीती, जिस विचार तरंगा नंद्रस मिलदा है, असी प्रार्थना करी हे खुदा, तू इस उत्तम सक्रमंट राही अपने दुख भोग दी एक यादगार दीती है, सानू अपने शरीर ते लहू दे पवित्र बेदा इस प्रकार आदर करने दा फसल बख्श, कि असी सदा मुक्ति दे फल नू अनुभव करिए। तू जो जिंदा ते राज करदा है सदा, तू सदा ती कर, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु यीशु हालेलुया 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 पुकार दे रही यीशु को पुकार दे रही है हालेलुया 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 Hallelujah, 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 पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा